प्रेम से बोलिए शिष्य आनंदमयी मात की। माँ से प्रश्न है, माँ आपका उपदेश अच्छा लगता है? माँ, उपदेश अच्छा लगता है अच्छी बात है, लेकिन अपने गुरुदेव जो आदेश दें उसका अक्षरशः पालन करना चाहिए। तुमको अपने गुरुदेव से जो मंत्र मिला हो उस मंत्र का अहिर्निश श्वास प्रश्वास के साथ जप करो। मंत्र के रूप में गुरुदेव हर समय तुम्हारे पास में हैं। उनका आदेश पालन ठीक ठीक करो। यदि मंत्र लेने के बाद श्री गुरुदेव को निर्वाण प्राप्ति हो जाती है तब भी गुरु मंत्र से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। प्रश्नकर्ता, माँ क्या एक से ज्यादा गुरु करना चाहिए? माँ, यदि तुमको कुआं खोदना है तो एक जगह ही खोदना चाहिए, तभी कालांतर में शीतल मधुर जल प्राप्त कर पाओगे। यदि तुम आज यहां और कल दूसरी जगह कुआं खोदने लग जाओगे तो भिन्न भिन्न जगह पर कुआं खोदने से भी पानी कैसे निकलेगा? सुना है भगवान गुरु दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए थे। यह 24 गुरु शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु तो सिर्फ एक ही होना चाहिए। हरेक के लिए एक रास्ता नहीं है। एक बात खास करके सबको अवश्य याद रखनी चाहिए कि गुरुदेव के आदेशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। गुरु का आदेश पालन करते करते शरीर चला जाए या रहे, एक निष्ठ होना चाहिए। एक निष्ठ हुए बिना भगवत राज्य में कैसे काम चलेगा? जहां जाओ सिर्फ एक ही विचार करना चाहिए कि यह सब कुछ मेरे करुणामय गुरुदेव का ही है। यह शुद्ध भाव अपने आप प्रकट होता है। जिन जिन महात्माओं से श्री गुरु जी के अनुकूल उपदेश मिले उसका भी अवश्य पालन करना चाहिए। किंतु यदि किसी महात्मा से अपने गुरु महाराज के आदेशों के प्रतिकूल उपदेश मिले तो उनका पालन उचित नहीं है, वहां जाना भी नहीं चाहिए, इससे अनिष्ट होता है। इष्ट का क्या अर्थ है? जिससे अनिष्ट नहीं होता वह इष्ट है। जब जब अच्छे महापुरुषों का सत्संग मिले, उनका उपदेश सुनने का सुअवसर मिले, तब तब समझना चाहिए कि मैं श्री सद्गुरु के आश्रित हूं, इसीलिए उनकी महती कृपा से ऐसा सुयोग मिल रहा है। यह सब गुरु महाराज की कृपा का ही फल है। जगत की हर वस्तु में अपने अपने गुरु महाराज को और अपने अपने इष्ट देव को देखने की कोशिश करनी चाहिए। अपने गुरु महाराज के वचनों का अक्षरशः पालन करना ही परम धर्म है। प्रश्नकर्ता, मां दीक्षा के बाद यदि गुरु महाराज का निर्वाण हो जाए तो मुक्ति प्राप्त होने के बाद भी क्या गुरुदेव जी को शिष्य की मुक्ति के लिए आना पड़ता है? मां, समझो कि गुरु महाराज की मुक्ति हो गई तो क्या होगा? गुरु महाराज किसी ना किसी रास्ते तुम्हें मदद करते रहेंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारे गुरु महाराज ही तुम्हारे लिए सर्वस्व हैं। उनकी कृपा से जब तुमको भगवत प्राप्ति होगी तब पता चलेगा। जब तुम भगवान के दर्शन के लिए वास्तव में व्याकुल हो जाओगे और भगवान को सच्चे हृदय से तीव्र भक्ति पूर्वक पुकारोगे तब वे अवश्य ही तुम्हारी पुकार सुनेंगे और जैसा तुम चाहोगे उसी भाव से उसी रूप से तुम्हारे पास आकर तुमको तृप्त कर देंगे। प्रश्नकर्ता, माँ मन को कैसे एकाग्र करें? माँ, मन रूपी बालक की सेवा करो। सेवा करने से मन को शांत होने की आदत पड़ जाएगी। प्रश्नकर्ता, माँ मन जो कहे वह करना चाहिए क्या? माँ, तुम क्या अपने बच्चे जैसा कहें वैसा करते हो? छोटे बच्चों को धीरे धीरे समझाने से काम बनता है। ख्याल रखो कि माता पिता छोटे बच्चों को काबू में रखने के लिए अच्छे सत्संग में रखते हैं। सत्संग माने अच्छे लोगों की संगति। सत्पुरुषों की संगति में रखने से धीरे धीरे पढ़ने में मन लगता है। मन का एकमात्र सच्चा भोजन है सत्संग और अहिर्निश भगवत स्मरण। भगवत स्मरण में सबसे ज्यादा समय दो। जप
ध्यान, महापुरुषों का सत्संग, पूजा पाठ, स्तुति, यह सब मन की असली खुराक है। यह करने से मन धीरे धीरे शांत होकर एकाग्र हो जाएगा। जैसे छोटे बच्चों को खिलौना देने से रोना छोड़कर खिलौने से खेलने लग जाते हैं, मन को हर समय किसी ना किसी पवित्र कर्म में लगाए रखने की कोशिश करो। अपने मन को किसी ना किसी पवित्र नाम या भगवत कर्म में लगाए रखो। जिस अहम बुद्धि से तुम अपने सब कर्मों को कर रहे हो, उसी अपनी बुद्धि और शक्ति को भगवान के कर्मों में लगाओ। इससे तुम्हारी सब कुवासनाएं चली जाएंगी। इस तरीके से तुम अपने मन रूपी बालक की सेवा करो। प्रश्न करता, माँ आपने कहा कि तुम्हारे अंदर जो इच्छाएं वासनाएं हैं उन सबको भगवत प्राप्ति में लगाओ, इसका क्या अर्थ है, उसे कृपा करके समझाइए। माँ, जैसे छोटे बच्चों को जब कुछ जरूरत होती है तब वे रोते हैं तो माँ उन बच्चों को गोद में उठा लेती है, वैसे ही तुमको भी अपने एकमात्र प्यारे भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। वही तुम्हें अभीप्सित वस्तु प्रदान करेंगे। परम कृपामय भगवान के बिना हम लोग रह नहीं सकते हैं। जो भक्त भगवान का जिस रूप में दर्शन करना चाहता है, भगवान उसको उसी रूप में दर्शन देते हैं। प्रश्न करता, मां आपने कहा कि भगवान दर्शन देते हैं, तो फिर उन भगवान का स्वरूप कैसा है? क्या मन की किसी अवस्था को आप भगवान कहती हैं? मुझे तो लगता है कि भगवान मन के सिर्फ कल्पना मात्र हैं। मां, भगवान अनंत रूपों में हैं, फिर उनका एक रूप भी है। भगवान साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तुम भगवान का जिस रूप में भी दर्शन करना चाहो, उसी रूप में भगवान दर्शन दे सकते हैं। प्रश्न करता, मां सच्चिदानंद क्या वस्तु है? मन की किसी अवस्था का नाम क्या सच्चिदानंद है? मां, मन का जैसा भाव होता है वैसे भगवान के दर्शन होते हैं। तुम्हारा मन जितना निर्मल और विकसित होगा, वैसा ही तुमको भगवान के स्वरूप का दर्शन होगा। किसी एक व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के किसी स्वरूप का दर्शन हुआ है, दूसरे किसी भक्त को भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए हों, तो इन दोनों भक्तों के भगवान श्री कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप के ही दर्शन हुए। पर दोनों भक्तों के बाह्य रूप दर्शन में बहुत अंतर है। दोनों को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अलग अलग हुआ है। तुम्हारा कृष्ण ही सबका कृष्ण है। जैसे कहा जाता है कि अपने अपने गुरु ही जगत गुरु हैं, या जो जगत गुरु हैं वही अपने गुरु हैं। गुरु कौन है जो अपने शिष्यों को स्वरूप बोध कराकर भगवान का दर्शन कराते हैं? भगवान के साक्षात्कार से आत्म ज्योति दैदिप्यमान हो उठती है। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।